तो आज फिर से एक बार सुजुकी वीस्ट्रॉम एसिक्स के बारे में बात करेंगे। आज स्पेशली हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, ईएमआई स्कीम के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो कहाँ पे ये बाइक आपको मिलेगा, कितना डाउन पेमेंट करने से ये बाइक आप अपना घर लेके जा सकते हैं, सारे फाइनेंस स्कीम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आप अगर वीस्ट्रॉम जैसे बाइक अपने घर में लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या ईएमआई है, तो उसके लिए आज मैंने स्पेशली सिद्धार्थ भाई को बुलाया। हाय सिद्धार्थ भाई, वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। तो आप थोड़ा सा इस बाइक के ईएमआई स्कीम जो है, डाउन पेमेंट क्या है, और साथ ही साथ थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो भी पूरा अपना जो व्यूअर्स है जो बाइक खरीदना चाहता है उनको थोड़ा सा बताएंगे। ऑलरेडी काफी दिन हो गया ये बाइक लॉन्च हो चुकी है, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सबने देख लिया, फिर भी एक बार जो मेन चीज है इस बाइक का थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ये जिक्सर 250 का इंजन है। ओके, सेम इंजन, सेम इंजन है आपका, सुजुकी का ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। ओके, और आपका ये डुअल चैनल एबीएस में आएगा, प्लस आपका डुअल डिस्क रहेगा। ओके, और ये आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। ओके, मतलब मोबाइल के साथ आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका नेविगेशन में हेल्प करेगा आपको, कितना मीटर्स पे लेफ्ट लेना है, टायर राइट लेना है वो, प्लस आपका जितना भी इनकमिंग कॉल्स हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, वो सब शो करता है, और चार्जिंग का भी फैसिलिटी दिया हुआ। चार्ज भी कर सकते हो इस बाइक में, जैसे लॉन्ग टूर में जाना है तो चार्ज कर सकते हो, चार्ज करने का फैसिलिटी है। और सारे ज्यादातर एक्सेसरीज लग के आते हैं इसमें, जैसे विंडशील्ड हो गया, टॉप बैग्स, कैरियर लगा हुआ है आपका, आपका सारी गार्ड लगा हुआ है, फुट पैड लगा हुआ है, ठीक है, नकल कवर लगा हुआ है। तो अलग से कुछ, अलग से ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका अगर सीट हाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको, तो आप एक सीट, एक हम लोग का एक्सेसरीज में सीट आता है, तो वो आप सीट आप खरीद सकते हैं। वो सीट का सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा, जैसे आई एम 5'7", तो कोई बोलता है कि मेरा अगर 5.5 फीट हाइट है तो ये बाइक मैं चला पाऊंगा, तो सीट एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल नहीं है, आपका चेंज कर सकते हैं, चेंज करके आप सीट हाइट 25mm तक कम कर, कम हो जाएगा, जैसे वो 835 आपका सीट हाइट है वो और कम हो जाएगा, 25mm कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, ये बाइक अभी माइलेज कितना प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मेरा जिक्सर 250 देता था 35 to 38, 39, 40 आराम से दे देता था सिटी में, ये भी आपका अराउंड 167 kg का है, तो ये भी आपका अराउंड 40 माइलेज आराम से दे देगा। देखिए माइलेज जो होता है सिटी में आपको 40 दे देगा, आप थोड़ा सा आप जाएंगे हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो उससे भी ज्यादा मिलेगा, 40+ मिल सकता है इससे माइलेज, 40+। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, काफी लोग पूछते हैं कि माइलेज कितना है, तो माइलेज पूरा अपना चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस तरीके से, किस स्टाइल से बाइक चलाते हो। फिर भी अगर 250 सीसी का इंजन है तो एवरेज अगर आप सही तरीके से चलाते हो तो ये 40 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अभी कौन कौन सा कलर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे हम लोग अभी हमारे पास येलो और ये ब्लैक में अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो है, मतलब कोई अगर बुकिंग करता है तो कितना दिन टाइम लगता है कि डिलीवरी, मतलब आप बाइक डिलीवरी कर सकते हो? अभी मोस्टली सेम डे अप्रूवल आ जाता है, मतलब सेम डे आपका बाइक अगर स्टॉक में रहेगा तो विद इन वन डे और टू डेज में आपका बाइक डिलीवरी हो जाएगा। बढ़िया चीज है कि कई शोरूम में ऐसा होता है कि आपको बाइक मतलब ऑर्डर देने के बाद एक महीने वेट करना पड़ता है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, विद इन वन टू डेज मैक्सिमम ये बाइक आपको मिल सकती है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहले इस बाइक का भी ऑन रोड प्राइस कितना चल रहा है? ऑन रोड आपका 2,48,250 के अराउंड है। ओके, ठीक है, और डाउन पेमेंट आपका इसका अराउंड 55 to 60 का अराउंड आ जाएगा। 55 to 60, मतलब ये होता है आपका सिविल स्कोर के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है आपका। हाँ, मिनिमम उतना डाउन पेमेंट करने से, अप टू 50,000 डाउन पेमेंट करने से ये बाइक आप लेके जा सकते हैं। तो एक चीज मेरा मन में अभी क्वेश्चन है, जैसे येलो कलर है, ब्लैक कलर है और एक ऑरेंज कलर, और एक ऑरेंज कलर आता है, कलर वेरिएंट में कोई रेट का डिफरेंस नहीं? कलर वेरिएंट में कोई रेट का डिफरेंस नहीं है। कभी होता है कि अलग कलर के लिए अलग पे करना पड़ता है, आप कोई भी कलर चूज करो उसके लिए आपका जो मतलब ऑन रोड प्राइस है वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। तो और एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर कोई 50,000 डाउन पेमेंट करके ये बाइक बुक करता है या लेता है, तो अगर वो 5 years के लिए ईएमआई करना चाहते हैं, तो 5 years के लिए मोटा मोटी कितना मंथली ईएमआई? रफली आपका अराउंड 5,000 तक आ जाएगा।
5000 पर मंथ देके 5 इयर्स के लिए ये बाइक आप ईएमआई करा सकते और बाकी आपका सिविल स्कोर के ऊपर है, आप उस सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है, बैंकिंग में डिपेंड करता है बट थोड़ा सा आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो ईएमआई कम हो जाएगा, इससे कम हो सकता है। तो सिद्धार्थ भाई आज का लास्ट सवाल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है वो है, अगर यहाँ से जैसे शोरूम एड्रेस एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। एड्रेस है मेरा ये पार्क सर्कस मैदान दरगाह रोड डॉन बॉस्को स्कूल के आगे थोड़ा। ओके तो आपको बता देते हैं कि वी स्ट्रॉन्ग हर कोई सुजुकी के शोरूम में आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए स्पेसिफिकेशन है, कुछ स्पेशल शोरूम में ये बाइक आपको देखने को मिलता है। तो शोरूम का एड्रेस ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक स्पेशल क्वेश्चन मैं सिद्धार्थ भाई से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई ये बाइक इस शोरूम से लेना चाहते हैं तो स्पेशल क्या गिफ्ट देने वाले हैं उस मतलब कस्टमर? स्पेशल गिफ्ट बहुत सारे हैं, एक बार आप शोरूम विजिट कीजिए तो डिटेल्स में सारा जो भी गिफ्ट है जो मतलब रिवील नहीं करेंगे, काफी डेफिनेटली फॉर श्योर स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आप शोरूम में आइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, बाइक टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में मैं सारे आपको फिनेंस स्कीम और ईएमआई मिनिमम डाउन पेमेंट सब कुछ डिटेल्स बता दिया। फिर मिलेंगे दूसरे कोई लोकेशन में दूसरा कोई इंटरेस्टिंग बाइक लेके, तब तक के लिए सेफ राइड सेफ लाइफ।